Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution Channel. चलिए देखते हैं Excel में कुछ फॉर्मूले जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनका यूज़ बराबर हुआ करता है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस किस तरह से और वो कौन कौन से फार्मूले हैं, इन सब के बारे में जानेंगे. सबसे पहले एक्सेल को ओपन करना है. मेरे पास एक्सेल का 2007 वर्जन है, आपके पास जो भी हो आप यूज कर सकते हैं. मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई पड़े. सबसे पहले हम समझेंगे राउंड फार्मूले के बारे में, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन. तो चलिए राउंड फार्मूले को स्टार्ट करते हैं. यहां मैं लिखता हूं राउंड, आर ओ यू एन डी, राउंड फार्मूला. हम सीखेंगे कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है. और इसको मैं ब्लैक कर देता हूं, इसको मैं यहां से वाइट कर देता हूं और थोड़ा सा साइज भी बढ़ा देता हूं ताकि आपको ठीक से दिखाई पड़े. अब यहां पर राउंड फार्मूले का यूज करना है हमें. कैसे यूज करेंगे देखिए, जैसे मान लीजिए 7.5 लिखा हुआ है, ठीक है, 7.5 अगर लिखा हुआ है और इसको हम राउंड फार्मूला लगाते हैं तो क्या ये हो जाएगा वो हम देखेंगे. उसके बाद हम यहां पर 7.9999 लिखते हैं और ये क्या हो जाएगा राउंड फार्मूला लगाने से, ये भी हम देखेंगे. और फिर यहाँ पे एक चीज और, 7.4949 लिखा है, इसको हम करेंगे तो क्या होगा. और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9.99, ठीक है, बात तो वही है. तो चलिए पहले इस पर लगा के देख लेते हैं कि इस पर हम कैसे यूज कर पाएंगे. यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इज इक्वल टू का निशान बनाने से एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला शुरू होता है. इज इक्वल टू का निशान बनाने के बाद आपको लगाना है राउंड, ठीक है, राउंड, ठीक है, राउंड लगा दिया हमने. इसको सेलेक्ट करिएगा और इसको जब बंद करिएगा आप और एंटर जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो इस ये पूछेगा कि कितने अंकों तक राउंड कराना है. यहाँ पे देखिए सिंटेक्स में आ रहा है कि नंबर कॉमा नंबर डिजिट, कितने अंकों तक राउंड कराना चाहते हैं इसको. तो हम कहेंगे 0 अंकों तक हम इसको राउंड कराना चाहते हैं और एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे यहां आ जाएगा 8, ठीक है. ये हो जाएगा 8. क्यों 8 हो जाएगा, क्योंकि 7.5 या 5 से ऊपर वाले नंबर, ये पॉइंट वाला जो हिसाब किताब है वो 0.5 या 5 से ऊपर होगा तो एक अंक आगे बढ़ा देगा, यानी कि जो 5 है उसको 8 कर देगा. जैसे 7.5 है तो उसको 8 कर देगा, 7.99 है तो उसको 8 कर देगा, 5.49 है तो अब ये 5 से नीचे है तो इसको क्या कर देगा, पीछे बढ़ा देगा. अगर 0 अंकों तक राउंड कराते हैं तो देखिए ये 8 हो गया. अब इसी को मैं ड्रैग कर देता हूं, सब 0 अंकों तक राउंड हो रहे हैं ये, तो देखिए जिनको भी 0 अंकों तक राउंड कराया था तो 0.5 वाला जो है वो आगे बढ़ गया है या 5 से जो ऊपर है, और जो पीछे है यानी कि एक भी पॉइंट पीछे है उसको पीछे कर दिया है, यानी एक अंक पीछे कर दिया, यानी 5.49 है तो इसको पीछे कर दिया है. तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी कि राउंड फार्मूला कैसे यूज किया जाता है. अब चलिए माइनस वाला हिसाब किताब हम यहां देखेंगे. इज इक्वल टू राउंड, आर ओ यू एन डी, राउंड लगा दिया हमने और यहां पे लिखता हूं मैं -22, ठीक है, कॉमा, इसको हम कितने अंकों तक राउंड करा रहे हैं. और यहां पर देखिए यहां पर हम लिख देते हैं 22, ठीक है. तो हम देखेंगे कि इसमें आंसर क्या आएगा हमारा, ठीक है. तो यहां पे जैसे ही इंटर करता हूं तो -22 आंसर में आ रहा है. आप देख सकते हैं ये +22 और फिर ये -22, यानी -22 पहले दिया हुआ है और +22 बाद में दिया हुआ है. तो इन दोनों को राउंड कराने पे इस तरह का आंसर आ रहा है. आप इसको याद रखिएगा कि माइनस और माइनस किया है हमने तो यहां माइनस आया है, माइनस और प्लस किया है तो, ठीक है. और यहां पे देखिए यहां पे फिर मैं फॉर्मूला लगाता हूं, आर ओ यू एन डी, राउंड लगा दिया हमने. और यहां पर अब क्या करूंगा मैं 22.2 लिखूंगा और इसको -29 तक इसको राउंड कराता हूं, ठीक है. 29 तक राउंड कराऊंगा तो क्या आएगा, यहां पे 0 आ जाएगा, ठीक है. ये देखिए यहां पे पॉइंट में लिखा हुआ है तो ये 0 आ रहा है. चलिए मैं आपको एक और दिखाता हूं, यहां पे आर ओ यू एन डी, राउंड, राउंड करा रहे हैं हम, ठीक है. और इसको कहां तक राउंड कराएंगे, जैसे मान लीजिए अभी हमने पॉइंट में लिखा था, ठीक है, और फिर पॉइंट में लिखता हूं, जैसे पॉइंट सॉरी यहां पॉइंट 22.2 कॉमा, ठीक है, और इसको -22 तक राउंड कराएंगे और फिर देखिए यहां रिजल्ट आएगा 0. तो आप देख सकते हैं
कि जब हम क्या कर रहे हैं, पहले माइनस वाला दे रहे हैं और फिर प्लस वाला। अब देखिए एक और मैं आपको दिखाता हूं करके, R O U N D राउंड दे दिया हमने, ठीक है। अब इसमें पहले माइनस वाला देंगे, ठीक है, माइनस 23 दे दिया हमने, ठीक है। अब यहां पे क्या देंगे, अब यहां पे देते हैं जैसे मान लीजिए देते हैं 22, ठीक है। तो माइनस 22 23 और 22 है तो यहां माइनस 23 आ जाएगा, आप देख सकते हैं इसको, मैंने आपको बताया था यहां पे करके। तो सेम वही प्रोसीजर है राउंड फॉर्मूले का, और काफी गोल गोल घुमाता है ये फॉर्मूला, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए राउंड अप और राउंड डाउन क्या होता है वो मैं दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए इज इक्वल टू का निशान बनाइए, आर ओ यू एन डी, राउंड अप हमें यूज करना है, तो ये अप पे हमने क्लिक किया है और यहां पर हम लिखेंगे 55.43 कॉमा, सिंटेक्स में कॉमा है। और इसको कितने अंकों तक राउंड कराना चाहते हैं आप, जितने अंकों तक, पहले हम जीरो तक कराएंगे, ठीक है, उसके बाद हम बाकी का देखेंगे। तो अब ये राउंड अप है, अप माने होता है ऊपर, तो ऊपर की तरफ बढ़ाएगा इसको, यानी 55.43 को बना देगा 50, क्या बना देगा 56। तो ये देखिए अप जो है 56 बना दिया, भले ही यहां 43 है लेकिन अप का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद जो है एक और मैं दिखाता हूं राउंड अप, यहां पे देखिए राउंड डाउन लगाएंगे हम, राउंड डाउन, तो डाउन क्या करेगा, आज चाहे जो भी हो, यहां पे मैं 55.74 या 75 रखता हूं और इसको जीरो अंकों तक राउंड कराऊंगा तो भी ये डाउन देगा, पीछे ले जाएगा, यानी कि ये 56 ना बन करके क्या बन जाएगा, 54 बन जाएगा या 55 बन जाएगा। देखिए 55 तो ये ऑलरेडी था तो ये पीछे हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि ये आगे ना जाकर के पीछे चला जा रहा है अगर राउंड डाउन कर रहे हैं तो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे लगा करके कि अब किस प्रकार से एक अंक, दो अंक या तीन अंक तक राउंड करा रहे हैं तो कैसे ये राउंड हो रहा है, ठीक है। माइनस 22 किया हमने और इसको सात अंकों तक राउंड करा रहा हूं मैं, देखता हूं यहां क्या आता है, तो यहां माइनस 22 ही आ रहा है, ठीक है। अब फिर यहां पे राउंड लगाता हूं और यहां पे देखिए इसको फिर मैं माइनस 22 या कुछ भी कर सकते हैं हम, माइनस जैसे मान लीजिए 25 कर दिया हमने कॉमा, अब इसको अंक दो अंकों तक राउंड कराता हूं तो भी क्या आएगा हमारा, एंटर प्रेस करता हूं तो भी देखिए माइनस 25 ही आ रहा है। तो ये हिसाब किताब क्लियर हो गया होगा आई होप कि ये किस तरह से राउंड हो रहा है, और ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, खासतौर पे ओ लेवल का एग्जाम अगर आप दे रहे हो या एडवांस एक्सेल से संबंधित कोई इंटरव्यू दे रहे हो तो ये राउंड फॉर्मूला बड़ा परेशान करता है और समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये हमेशा पता चल जाएगा कि ये क्या होगा, राउंड होगा। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं हम, राउंड तो हमने देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, अब हम एक और फॉर्मूला देखते हैं एसक्यूआरटी का, ठीक है। कौन सा फंक्शन देखेंगे, एसक्यूआरटी फंक्शन देखेंगे, कैसे यूज करते हैं, पहले मैं यहां पे लिख देता हूं एसक्यूआरटी, एसक्यूआरटी फंक्शन देखने से ही लगता है कि ये स्क्वायर बताता होगा, ठीक है। और एसक्यूआरटी फंक्शन के कैसे यूज होता है तो ये देख लेते हैं हम एक बार। यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे 5 है और ये 2 है, ठीक है, तो एसक्यूआरटी फंक्शन लगाता हूं। सबसे पहले एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इज इक्वल टू के निशान से और एसक्यूआरटी लगा दिया हमने, और यहां पे एसक्यूआरटी जब आएगा तो ये कहेगा नंबर, तो नंबर हमने दे दिया, ठीक है, नंबर दे दिया। अब यहां पे कॉमा देते हैं और यहां पे इसको सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं, हालांकि सिंटेक्स में नहीं दिया हुआ है, इसको सेलेक्ट करते हैं और इंटर प्रेस करता हूं तो ये देखिए ये एरर मैसेज शो कर रहा है, ठीक है। इसमें सिर्फ मैं क्या करूंगा, एक ही नंबर देना है हमें, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर दे दिया हमने। अब ये 5 का स्क्वायर करके बताएगा, क्योंकि ये एसक्यूआरटी फंक्शन ही है तो ये स्क्वायर अपने आप बता देगा, 25 आएगा आंसर। ये स्क्वायर रूट बता रहा है, ठीक है, स्क्वायर रूट बता रहा है, स्क्वायर नहीं बता रहा बल्कि क्या बता रहा है, स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखाता हूं मैनुअली करके, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे ऐसे हम लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लगाएंगे 2, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम, यहां से स्क्वायर रूट निकाला जाता है, ठीक है। ये प्रोसीजर जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको थोड़ा हम बाद में देखेंगे।
ठीक है। अब इसी को जब मैं ड्रैग करता हूँ, 5 का ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, और जब 2 का करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये, इसको मैं ड्रैग करता हूँ, ये हो गया, तो 1.41। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है तो यहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने की प्रक्रिया वही होगी, अब अगले किसी वीडियो में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे मैनुअली, फिलहाल आप एक्सेल पे इस तरह से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। और अब हम बात करेंगे स्क्वायर फार्मूले की, ठीक है, कि हम कैसे जो है क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो फार्मूला भी देखेंगे। लेकिन इसके भी पहले हम एक और फार्मूला देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, खासतौर पर ट्रिपल सी के एग्जाम में और ओ लेवल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक तो ये राउंड हो गया, ठीक है, और दूसरा जो फार्मूला है वो है मॉड। मैं फिर आपको मॉड बताता हूँ कि मॉड क्या होता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मॉड, MOD, तो मॉड लिखा हमने, और यहाँ पर क्या करेंगे हम इज इक्वल टू का निशान बनाएंगे, और जो भी MOD मॉड लगा दिया हमने, और जो भी हमको लेना है, ठीक है, नंबर चाहे जो भी ले लें हम, जैसे 5 है, ठीक है, मॉड सेस बताता है, रिमाइंडर क्या आया ये बताता है, ठीक है। तो अगर हम 5 में 2 से डिवाइड करें इसको, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि 1 आएगा, ठीक है। अब इसको करके देखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम खर्चा होगा आपका और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, आपको आता है ये चीज़। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो बोलिए, मैं बता दूँ, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये। देखिए क्या होता है कि जैसे 5 से 2 में भाग देना है तो 2 बार भाग जाएगा, और जो शेष आएगा वो 1 आएगा, तो वही चीज़ है, आप करके इसको देख सकते हैं। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। और देखिए ये 1, 2, 3 बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, 3, तो ये 3 सीट ही होती है बाय डिफॉल्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। और इसको कहते हैं टाइटल बार, इसको कहते हैं मेन्यू बार, इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है, और इसको कहते हैं वर्क एरिया, इसको बोलते हैं कॉलम, और इसको बोलते हैं रो, ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। और इसको बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक है, ये जो नीली सी पट्टी दिख रही है ना, ये रेडी लिखा हुआ है और ये जो है जूमिंग वाला बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार, और इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, और इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।